आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यूसुफ के जीवन का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जो आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 37 अध्याय से 50 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ, जो कि राहेल का पहला बेटा और याकूब का 11वां बेटा था, अपने पिता और अन्य 10 सौतेले भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था। याकूब यूसुफ से अत्यधिक प्रेम रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे में उससे उत्पन्न हुआ था। यूसुफ अपने भाइयों के संग अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था और अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता को दिया करता था। याकूब ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बनवाया, जिसे देखकर यूसुफ के भाई उससे और अधिक बैर रखने लगे और यूसुफ से ठीक से बात भी नहीं करते थे। यहाँ मैं हर एक माता पिता को एक बात बता दूं कि अगर आपकी एक से अधिक संतान है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके दूसरे बच्चे के कारण कहीं आपके पहले बच्चे को प्रेम की कमी तो नहीं हो रही है। क्योंकि यह देखा जाता है कि जब घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो परिवार के सारे लोगों का पूरा ध्यान उनके दूसरे बच्चे पर होता है और वह अपने पहले बच्चे को वह प्यार और समय नहीं दे पाते हैं जो उन्हें उसे भी देना चाहिए। ध्यान रखें प्रियो, यदि आपकी एक से अधिक संतान है, तो आपका प्यार आपके सभी बच्चों के लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा बच्चा होने के बाद आपको अपने पहले बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। आपके बच्चे को कभी यह ना लगे कि माता पिता मुझसे कम और मेरे छोटे भाई या बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। ध्यान रहे प्रियो, आपको अपने बच्चों से एक समान प्यार करना है। अगर आप एक से कम और दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो अभी सावधान हो जाओ और अपने बच्चे को एक समान प्यार करना शुरू कर दे। आगे हम देखते हैं प्रियो, जब यूसुफ 17 साल का था, तो उसने एक स्वप्न देखा और उसने उठकर उस स्वप्न के बारे में अपने पिता और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा कि मैंने सपने में देखा है कि हम खेत में अनाज के पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया तथा तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को दंडवत किया। तब उसके भाई उससे कहने लगे, क्या तू सच में हम पर प्रभुता करेगा? तब वह लोग यूसुफ से और अधिक बैर रखने लगे। तब उसने दूसरा सपना देखा तथा वह भी अपने भाइयों को बताया। उसने बताया कि चांद, सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब भी उसके भाई उस पर क्रोधित हुए और उसे जलने लगे। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तब वहाँ यूसुफ भी आया, तो वे कहने लगे कि देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब उन्होंने यूसुफ के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा कि हम इसे मारकर गड्ढे में फेंक देते हैं। परंतु यह सुनकर उनका बड़ा भाई रूबेन कहने लगा कि यूसुफ की हत्या मत करो, इसे एक गड्ढे में फेंक दो, क्योंकि रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ उनके पास आया, तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जो वह पहने हुए था उतार लिया और उसे पास के एक गड्ढे में डाल दिया। जब वह भोजन करने बैठे, तो उन्हें इश्माएलियों का एक समूह दिखाई दिया। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि यूसुफ का खून बहाने से क्या लाभ होगा, आओ हम इसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। तब उसके बाकी भाइयों ने उसकी बात मान ली तथा उसे गड्ढे में से निकाल कर चांदी के 20 टुकड़ों में यूसुफ को बेच दिया और वे इश्माएली लोग यूसुफ को मिस्र ले गए। तब उसके भाइयों ने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया और उसे उन्होंने अपने पिता याकूब के पास भिजवा दिया और यह कहला भेजा कि तेरा बेटा, जिसे तू प्रेम रखता था, किसी पशु ने उसको खा लिया है और यह उसका अंगरखा है। जब याकूब ने यूसुफ का वह अंगरखा देखा, तो वह अपने कपड़े फाड़ के अपने बेटे के लिए कई दिनों तक विलाप करता रहा। इसी बीच उन इश्माएलियों ने यूसुफ को पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। जब यूसुफ पोतीपर के घर में रहने लगा,
तो पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसको उसमें सफल करता है। तब पोतीपर ने यूसुफ को अपने घराने का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ बहुत सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति था। एक दिन ऐसा हुआ कि पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर मोहित हो गई और वह उससे कहने लगी कि मेरे साथ सो, परंतु यूसुफ ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। पोतीपर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से कहती थी कि उसके संग लेटे या उसके संग रहे, परंतु यूसुफ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब यूसुफ अपना काम कर रहा था और पोतीपर का कोई भी सेवक घर पर नहीं था, तो पोतीपर की पत्नी ने उसका वस्त्र पकड़कर उससे जबरदस्ती करने लगी, परंतु यूसुफ अपने वस्त्र उसके हाथ में ही छोड़कर बाहर भाग निकला। तब पोतीपर की पत्नी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहने लगी कि यह इब्री मेरे साथ सोने अंदर आया और जब मैं जोर से चिल्लाने लगी तो वह अपना वस्त्र छोड़कर यहाँ से भाग गया। ऐसा उसने अपने सेवकों से झूठ कहा। जब पोतीपर घर में आया तो पोतीपर की पत्नी ने पोतीपर से भी यही झूठ कहा। तब पोतीपर यूसुफ पर क्रोधित हुआ और उसने उसे बंदीगृह में डलवा दिया, लेकिन यहोवा यूसुफ के संग संग था और यहोवा ने उसे बंदीगृह में भी आशीष दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि वर्तमान समय में जवान लड़के और लड़कियों के सामने व्यभिचार करने की बहुत सारी सिचुएशन आती है। बहुत से जवान इसमें गिर भी जाते हैं। आजकल देखा जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप एक आम बात बन चुकी है, जिसमें लड़का लड़की विवाह के पहले ही एक साथ रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि विवाह से पहले हम अपने आप को किसी भी प्रकार से व्यभिचार के पाप से अशुद्ध करें। प्रभु हमारी पवित्रता चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन साथी के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखें। बहुत से लोग कामुकता के कारण अपनी उस पवित्रता को खो देते हैं। ध्यान रखें प्रियो कि परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करके हम कभी भी उसकी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यूसुफ प्रभु का भय मानता था। वह सुंदर था, रूपवान था, और जब पोतीपर की पत्नी खुद उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है तो यूसुफ अपने वस्त्र छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप यूसुफ की जगह होते तो क्या करते। यह सवाल विशेष करके मैं जवान लड़कों से पूछना चाहती हूँ। इतना ध्यान रखिए प्रियो कि हमें व्यभिचार से बचना नहीं है, बल्कि व्यभिचार के पाप से भागना है। आगे हम देखते हैं प्रियो, जब बंदीगृह के प्रधान की दृष्टि यूसुफ पर हुई तो उसने उस पर अनुग्रह किया और उन सब बंदियों को जो बंदीगृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और बंदीगृह का सारा काम यूसुफ की आज्ञा से होता था, क्योंकि प्रियो यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ भी यूसुफ करता था उसमें यहोवा उसको सफलता देता था। एक दिन मिस्र के राजा के पकाने हारे ने अपराध किया और उन्हें बंदीगृह में डाला गया। तब बंदीगृह के प्रधान ने उन्हें भी यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जब वे बंदीगृह में थे तो उन्होंने स्वप्न देखा। फिर जब यूसुफ ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि तुम उदास क्यों बैठे हो। तब उन्होंने यूसुफ से कहा कि हमने स्वप्न देखा है, परंतु हम नहीं जानते कि उसका क्या अर्थ है। तब यूसुफ ने कहा कि क्या सपनों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब उन्होंने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। उसने देखा कि वह राजा को दाखरस उसके पास खड़े रहकर दे रहा है, जिसका अर्थ यूसुफ ने उसे बताया कि तू राजा के द्वारा फिर नियुक्त किया जाएगा और राजा के महल में पहले के समान सेवा करने लगेगा। इसके बाद दूसरे बंदी ने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। उसने बताया कि उसके सिर पर टोकरी है, उसमें रोटियां हैं तथा पक्षी उसमें से सब कुछ खा गए। तब यूसुफ ने उससे कहा कि इसका अर्थ यह है कि राजा तेरा सिर कटवा देगा और पक्षी तेरा मांस खाएंगे। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि दोनों के साथ वैसा ही हुआ जैसे यूसुफ ने उन्हें बताया था। तब उस समय यूसुफ ने पिलाने हारे से कहा था
कि जब तू अपने पद पर फिर नियुक्त हो तो मेरी सुधि लेना और राजा के सम्मुख मेरी बात करना। परंतु वह प्लाने हारा यूसुफ की बात को भूल गया और इस बात को 2 वर्ष बीत गए और यूसुफ बंदी गृह में ही था। एक दिन फिरौन राजा को स्वप्न दिखा और वह उस स्वप्न को देखकर बेचैन हो गया तथा उसने सभी पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाकर अपने स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, परंतु कोई उसके स्वप्न का अर्थ ना बता सका। तब जो पिलाने हारा राजा के पास काम करता था उसने राजा को बताया कि जब वह बंदीगृह में था तो वहाँ यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। तब जैसा जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। तब राजा ने अपने सैनिकों के हाथ यूसुफ को बुलवाया तथा उसने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। राजा ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी और उसके बाद 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल थी वह भी नील नदी में से निकली और दूसरी गायों के पास नदी के किनारे पर जा खड़ी हुई और फिर इन कुरूप और दुर्बल गायों ने 7 सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। तब फिर राजा ने यूसुफ को दूसरा स्वप्न बताया कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, तब उसके बाद 7 बालें पतली और मुरझाई हुई निकली और इन पतली और मुरझाई हुई बालों ने उन 7 मोटी और अन्य से भरी हुई 7 बालों को निगल लिया। तब यूसुफ ने फिरौन के इन स्वप्नों का अर्थ उसे बताया कि 7 वर्ष में मिस्र में अच्छी फसल होगी तथा उसके बाद 7 सालों तक मिस्र व आसपास के सभी राज्यों में अकाल पड़ेगा। यूसुफ ने आगे फिरौन से कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है कि उसने पहले से आप पर यह प्रकट किया है ताकि आप पहले से अधिक फसल उगाकर उसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे अकाल के समय आप पर कोई विपत्ति ना आए और आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। जब फिरौन ने यह देखा कि यूसुफ बहुत ही बुद्धिमान है तथा परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है तो फिरौन राजा ने यूसुफ को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसे पहना दिया और उसे मलमल के वस्त्र और गले में सोने की माला डाल दी। इस प्रकार फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का सारा अधिकार सौंप दिया और यूसुफ भी बुद्धिमानी के साथ सुकाल के 7 वर्षों में अनाज मिस्र के भंडारों में भरता गया ताकि अकाल के समय वह मिस्र तथा आसपास के राज्यों का भरण पोषण कर सके। प्रियो, ये था यूसुफ के प्रधानमंत्री बनाए जाने तक का सफर, जो हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और हमेशा यह याद रखें कि सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसे नाश करने की योजना बनाई लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रियो, ऐसे ही होता है, लोग हमें नाश करने, हमें बर्बाद करने तथा हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हमारा परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊँचा करने वाला है। रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ प्रियो, दुनिया हमारे विषय में 1,00,000 बुराइयां कर ले, लेकिन हमारा परमेश्वर उसमें से भी भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। कभी कभी जब हमारे साथ जब कभी कुछ बहुत बुरा होता है तो हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। बस यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए सोच कर रखा है। हमारे बारे में हमसे अच्छा हमारा परमेश्वर जानता है। उसने हमें जन्म से पहले ही चुन लिया है और उसकी सारी योजनाएं हमारी हानि की नहीं परंतु लाभ की ही होती है। परमेश्वर कभी आपका बुरा नहीं होने देगा, बस आपको प्रभु का भय मानना है तथा उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना है, तब वह आपको सफल करेगा और आपके हाथों के हर एक काम पर आशीष देगा। अंत में बस इतना याद रखें प्रियो कि यदि परमेश्वर आपके साथ है तो दुनिया और दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा परमेश्वर कांटों को फूल में बदलने की सामर्थ्य रखता है।
आशा करती हूँ प्रियो, यूसुफ की कहानी का यह पहला भाग आपके लिए आशीषित रहा होगा। अगले वीडियो में इस कहानी के दूसरे भाग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।